खरगोन शहर की यातायात व्यवस्था में बाधित करने वाले दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के लिए प्रशासनिक महकमा सड़कों पर उतरा और मुख्य मार्गों पर सामान जब्त करने की कार्यवाही को अंजाम दिया। बता दें कि दुकानदार बाहर सामान रखकर व्यापार संचालित कर रहे थे, जिसे लेकर बैठक आयोजित करके दुकानदारों को समझाइश भी दी गई। बावजूद उसके सामान नहीं हटाने की दशा में नगर पालिका सहित पुलिस महकमा सड़कों पर उतरा और सामान जब्ती की कार्यवाही की। इस दौरान SDM मिलिंद ढोके ने बताया कि कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। व्यापारी के साथ ही बैठक ली गई है, शहर में अनाउंसमेंट भी कराया गया था, बावजूद इसके दुकानदार अपने दुकानों का सामान बाहर रख रहे हैं। किस तरीके कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जैसा सड़क सुरक्षा समिति ने निर्णय लिया गया था, सबको समझाई दी जाएगी। दो बार मीटिंग लेके SDM साहब द्वारा और हम सभी लोगों के द्वारा इसको समझाई दी गई। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि किसी ने ज़्यादा उसको कोई किया नहीं, तो एक अल्टीमेटम दे के फिर अनाउंसमेंट करके कि आप यदि सामान रखेंगे बाहर तो उनकी कभी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी वैधानिक रूप से। आज वो उस तरह की कार्रवाई हम लोग आज शुरू कर रहे हैं सिंबॉलिक रूप से। आगे यदि यदि और इसमें सुधार नहीं आता है तो ये फिर निरंतर अब चलेगी, तो फिर लोगों को अपना पत्थर भी रखने का मौका मिलेगा और कार्रवाई करने के लिए हम लोग। अक्सर देखने में यह आता है कि कार्रवाई होती है, एक या दो दिन होकर वापस रुक जाती है, इसके बाद फिर दुकानदार अपने वही पुराने हथियार में दिखाते रहते हैं। देखिए, यदि और कोई तात्कालिक कमी आई तो अब ये लगभग 1 माह तक लगातार चलेगी कार्रवाई, ताकि ये व्यवस्थित हो सके। थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ अड़चन रुकावटें वहाँ जाती है, लोग वापस अपनी पुरानी है कार्रवाई अचानक नहीं है, सतत चलने वाली कार्रवाई है। और आप लोग देख ही रहे, पहले सबको समझाई दी है दुकानदारों को, और जो छोटी दुकानें लगाते हैं सड़क का यातायात प्रभावित करते हैं उनको, अब आज से जब्ती की कार्रवाई होगी और सतत निरंतर चलती रहेगी। इसमें सब व्यापारियों का और आप सभी लोगों के सहयोग की इसमें अपेक्षा है। जिस तरीके से व्यापारियों के साथ में बैठक की गई, शहर में अनाउंसमेंट भी कराया गया, उसके बावजूद भी सड़कों के ऊपर सामान दुकानदारों का रखा हुआ है। हाँ, वही दुकान वालों को भी समझना है, आपको हमको सबको समझना है, जब भी अपना शहर व्यवस्थित होगा और यातायात भी ठीक चलेगा। सर, ऐसा नहीं हो कि आज कार्रवाई और कल नहीं हो तो फिर लोग दोबारा वहाँ पर वापस अतिक्रमण कर ले। लगातार करो, खेलों से भी यातायात व्यवस्थित हो, खेलों को भी सबको पीछे करेंगे, कर ही रहे, देखो आप धीरे धीरे सारी कार्रवाई होगी और व्यवस्थित सारा यातायात रहेगा। सर, क्या लगता है सर, ये अतिक्रमण हटेगा? हट ही रहा है ना, ये आपके सामने देख ही रहे हो। लगातार आ रहा है सर, पहले भी ऐसी कार्रवाई बहुत हुई है, पहले का नहीं पता, पर अब लगातार चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।